स्वागत बंदन। आज हम श्रेय मुशी द्वितीय भागा पाठ दसम वर्गा के अंतर्गत जो संस्कृत पाठ पुस्तक है उसके अंतर्गत जो पाठ है उसको पढ़ेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं ये पाठ सत्ता सौहार्दम प्रकृति शोभा है, सद्भाव प्रकृति की शोभा, संवादात्मकम यानी एक दूसरे से बातचीत हो रही है, संवाद चल रहा है और प्रकृति के अंतर्गत पशु पक्षी सभी प्राणी मात्र और उनके आपसी संवाद का इसमें बहुत ही अच्छा मतलब जो संवाद है वो दिए गए हैं, किस प्रकार से वो आपस में संवाद करते हैं। ये प्रकृति की आप छटा देख रहे हैं यहाँ पर। मैंने आपको इसके पहले वाले उसमें पार्ट वन पार्ट टू है ना, यानी पहले प्रथमा भाग है द्वितीय भाग इसके पढ़ा चुकी। आज मैं इसका ये तीसरा जो भाग है इसको मैं पढ़ा रही हूँ, ये जो संवाद वाला है। ठीक है, आप यहाँ पर देखें यहाँ से जो शुरू करेंगे उसके आगे का जो वार्तालाप है तो यहाँ पर आएगा परम कश्चित् दपि खगः आत्मानं विना नान्यं कमपि अस्मै पदाय योग्यं चिन्तयन्ति कहे कथं निर्णय भवे तदा तै सर्वै गहन निद्राया निश्चिंत स्व अल्पम उलूकम बीच विराट विचारितम यदेश आत्म शालाभ्या हीन पर निर्लिप्ता उलूको एवास्माकम राजा भविष्य परस्पर मादिशंति च तदानी यंताम नर्वहिशे संबंधिना संभारा इति। जब प्राणी आपने मैंने आपको इसको जब समझाया था तो ये बताया था कि जब ये लोग आपस में जब चर्चा कर रहे थे किस चीज को लेके, पद को लेके, भाई जो योग है उसको हमें पद देना चाहिए, लेकिन वो न्याय नहीं हो पा रहा था कि कौन ऐसा योग है, ये आप लोग चिंता में मग्न थे। तभी वो लोग देखते हैं कि एक गहन निद्रा में बहुत गहरी नींद में सोया हुआ जो उल्लू था वह मतलब उसको कोई मतलब नहीं था पद से किसी चीज से और उसको कुछ नहीं, तो उसको ये बोला विचार किया कि क्यों ना इसको ही राजा बनाया जाए और इस प्रकार से वो लोग आपसी परामर्श से फिर उसको मतलब उसके अभिषेक की सामग्री और उसको देने के लिए उन लोग सब लोग मतलब कहते हैं आपस में। चलिए आगे पढ़ते हैं। सर्वे पक्षिणां सज्जाये गन्तुं विक्षन्ति तहिं अनायास एव। सभी पक्षी मतलब जाते हैं उस तैयारी में सामग्री सब लेने के लिए, तो काका अट्टहास पूर्ण स्वरें बहुत जोर से जो कौवा होता है बहुत जोर से हंसता है। सर्वथा अतियुक्त मेतर यन मयूर हंस कोकिला चक्रवाक शुक सारस दिशु पक्षी प्रधान विद्यमान दिवान धस्य यास्य कराल वक्रत्यस्याभिषेकार्थं सर्वे सज्जन सर्वे सज्जा पूर्णं दिनं यावत् निद्रा मयानः एषा कथ मस्मान् रक्षस्यति वस्तु तस्तु। मतलब वो ये बोलता है कि भाई इतने सारे पक्षी हैं उसमें तो किस प्रकार से आप इसको चुन सकते हैं, इस प्रकार से वो क्या करता है मतलब बात करता है कौन को हुआ। स्वभाव रौद्र मध्युग्रम पूर पूरम प्रिय वादी नम उलूकम नृपतिम कृत्वा कानु सिद्ध भवे सिद्ध सिद्धिर भविष्यति तथा भविष्यति प्रकृति माता। वो इस प्रकार से सब बात करते हैं कि स्वभाव से वो पूर और ऐसा और तभी प्रकृति माता का प्रवेश होता है। चलिए अब यहाँ देखिए प्रकृति माता सस्नेहम वो प्राण अरे अरे सुनो सुनो यूयम सर्वे एक में संतति कथम मिताव कथम कुर्वन्ति आप लोग क्यों कर रहे सब मतलब सभी हमारे लिए एक समान है।
अन्योन्याश्रितः सदैव स्मरतः ददाति प्रतिग्रहणाति गुहामाख्याति प्रक्षति भूकते भोज्यते च सर्वविध विधम प्रति प्रीति लक्षण। जो प्रीति के छह लक्षण मतलब बता देती है, लेती है ना, रहस्य बताती है, रहस्य रखती है और खाती है खिलाती है, ऐसे छह प्रीति के लक्षण। हमें सबसे बहुत प्रेम प्यार से रहना चाहिए। सर्वे प्राणिनः संवेद स्वरे, सब एक मतलब स्वर में बोलते नहीं, आप क्या तो सही है। माता कथयति तु भवति सर्वथा सम्यक् परम वयम् भवति न जानि भवत्या परिचय का। माता मैं आपको आपको नहीं जान पाया, आपको हमें अपना परिचय दीजिए, ऐसे सभी प्राणी कहते हैं। अन्वय देखिए यहाँ पे, स्वभाव रोद्रम अतिउग्रम पूरम अभिवादनम लोकम नृपति उत्तवा कानु सिद्धि भविष्य। फिर है ददाति प्रतिग्रहणाति ग्रहमाख्याति प्रक्षति भूपते भुज्यते चैव षड्विधम प्रीति लक्षण। शब्दार्थ समझिए, स्वपंतम सोचे हुए निशयनम पूर्व वीक्षण देखकर विलोक्य या दृष्टवा विचारितम मैंने सोचा या चिंतन कृतम आत्मशाला विहीन आत्मसंतक से रहित आत्म प्रशंसा उत्पन्न पद निर्मित पद की इच्छा से विलोक पदस्य इच्छाया संभारा सामग्रिया सामग्र अनायास अचानक सहसा अयुक्तम अनुचित अनुचितम करा कराल वक्तस्य भयंकर मुखवाद भयंकर मुखस्य सज्जा यानी तैयार हो गए तत्परा मिथ्या आपस में परस्पर अन्योन अन्योन याश्रिता है एक दूसरे पर आश्रित है परस्पर परस्परम निर्भया निर्भरा ग्रह माख्याति यानी रहस्य बताता है रहस्य मदति भोज्यते खिलाता है भोजनम कार्यते संवेद स्वरे एक स्वर मिश्रित स्वरे भवत्या यानी आपका तब ठीक। चलिए आगे पढ़ते हैं। परंतु कोई भी पक्षी जो है अपने अलावा किसी दूसरे को इस पद के योग्य नहीं मानता तो कैसे निर्णय होगा। वो ये बोलते कि मैं ही इस पद की हूँ और ये मतलब कोई दूसरे को मानता ही नहीं तो ये निर्णय होगा कैसे। तब उन सब के द्वारा गहरी नींद में सोए हुए क्या उल्लू को देखकर विचार किया गया। क्या किया गया कि यह आत्म प्रशंसा से रहित पद की इच्छा से विमुक्त उल्लू ही हमारा राजा होगा। किसको राजा बनाए उल्लू को राजा बनाए और एक दूसरे को राज्य अभिषेक से संबंधित सामग्रियां लाने के लिए कहते। अब इस प्रकार जब लोग आपस में वार्तालाप कर लेते हैं अपना राजा चुन लेते हैं तो सभी पक्षी तैयारी के लिए क्या जाना चाहते हैं। तभी अचानक क्या होता है जो कौवा है अट्टहासपूर्ण स्वर से बहुत ऊंचे स्वर से हंसकर बोलता है यह बिल्कुल ही अनुचित है कि मोर हंस कोयल है ना और चकवा तोता सारस आदि मुख्य पक्षियों के विद्यमान होते हुए दिन में अंधे से भयंकर मुखो वाले अभिषेक के लिए सभी तैयार है। इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, मोर है हंस है कोयल है सभी लोग हैं और ये अंधे को चुन लिया जो दिन में जिसको दिखाई नहीं देता उसको राजा बनाने के लिए सब तैयार हो गए। पूरे दिन भर सोता हुआ यह कैसे हमारी रक्षा करेगा। वास्तव में तो स्वभाव से ही क्रोधी अत्यधिक डरावने क्रूर अप्रिय बोलने वाले उल्लू को राजा बनाकर ही क्या सिद्धि होगी अर्थात हमारा कौन सा काम बनेगा। ऐसा सब आपस में वार्तालाप करते हैं तभी प्रकृति माता प्रवेश करती है। प्रकृति माता क्या बोलती है
स्नेहपूर्वक। अरे अरे आपस में झगड़ा कर रहे हो, वास्तव में सभी वन के प्राणी एक दूसरे पर आश्रित हैं। और हमेशा याद रखो, प्रीति प्रेम के 6 लक्षण हैं। देता है, लेता है, रहस्य बताता है, पूछता है, खाता है और खिलाता है। अर्थात इन 6 कारणों से आपस में प्रीति बनी रहती है। तो जो प्राणी रहते हैं, सभी प्राणी एक स्वर में क्या बोलते हैं, हे माता कह तो आप सर्वथा उचित रही हैं, परंतु हम आपको नहीं जानते हैं, आपका परिचय क्या है, ऐसा सभी पृथ्वी माता से कहती है। प्रकृति माता क्या बोलती है, अहम प्रकृति ही युष्माकम सर्वेशाम जननी, यूयम सर्वे एव मेप्रिया, सर्वेशाम एव मत कृते महत्वम विद्यते यथा समय न तावत् कलहेन सम्यम रथा यापयन्तु अपितु मिलित्वा एव मद्वम जीवनम च रसमयम ऊर्ध्वम तद्यथा कथितम्। प्रजा सुखे सुखम राज्ञ, प्रजानां च हिते हितम्, और नात्म प्रियम हितम राज्ञ, प्रजानां तु प्रिय हितम्। अपि च अगाध जल संचारी न गर्वम याति रोहितः, गुष्टोदर मात्रे शबरी पुरपुरा यते। अतः भवन्तः सर्वे अपि सत्विद्वत् एकैक तस्य गुणस्य चर्चां विहाय मिलित्वा प्रकृति सौन्दर्याय वन रक्षाया च प्रयतन्ताम्। सर्वे प्रकृति मातरं प्रणमन्ति मिलित्वा दृढ़ संकल्प पूर्वकं च प्राण जायते हानि परस्पर विवाद तम अन्योन यह सहयोगेन लाभस्य तेषां प्रजायते। अन्वय समझिए, प्रजा सुखे राज्ञा सुखं प्रजानां चाहते हितं राज्ञा आधिप्रियं हितं न तु प्रजानां हितं प्रियं। दूसरा अगाध जल संचारी रोहिता गर्वा न याति आंग्ल कुष्ठोदक मात्रेण सफरी फुरफुरायते। तीसरा परस्पर विवादिता प्राणायाम हानि जायते अन्योन सहयोगेन तेषां लाभः प्रजायते। शब्दार्थ समझिए, मत कृते मेरे लिए, मम कृते व्रता बेकार व्यर्थम, मोदध्वं प्रसन्नता से रहे, मोदध्वं प्रसन्ना भवन्ति, अगाध जल संचारी अकाल जल धारा में संचरण करने वाली, असीमित जल धारा या भ्रमण, रोहिता या रोहित रोहू नाम की बड़ी मछली, रोहित नाम मत्स्य, गुष्ठोदर मात्र अंगूठे के बराबर जल में, अर्थात थोड़े जल में अंगुष्ठा मात्र जले, क्षत्रिय छोटी सी मछली, लघु मदस्य प्रयास करें प्रयत्न पूर्वक। अनुवाद समझे, जो प्रकृति माता है वो क्या बोलती है कि मैं प्रकृति हूँ, तुम सबकी माता हूँ, तुम सभी मेरे प्रिय हो, सबका ही यथा समय मेरे लिए महत्व है, इसलिए कलह में बेकार समय व्यतीत ना करें, बल्कि मिलकर ही प्रसन्नता से रहें और जीवन को आनंदमय करें, जैसा कहा गया है। क्या कहा गया है, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, तब प्रजा के हित में ही हित है, राजा के लिए अपना हित प्रिय नहीं है बल्कि प्रजा का हित प्रिय होता है। और अतः जल में संचरण करने वाली रोहित रोहू नामक बड़ी मछली गर्व नहीं करती है, जबकि अंगूठे के बराबर जल में अर्थात थोड़े से जल में छोटी सी मछली क्या होती फड़फड़ा जाती है। अतः जल में संचरण करने वाली रोहित जो रोहू नाम की मछली है वो गर्व नहीं करती, इसलिए आप सभी छोटी सी मछली के समान एक दूसरे के गुणों की चर्चा को छोड़कर मिलकर प्रकृति की सुंदरता एवं वन की रक्षा के लिए प्रयास करें। सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं और दृढ़ संकल्प के साथ गाते हैं, आपस में विवाद करने से प्राणियों की हानि होती है, आपस में एक दूसरे का सहयोग करने से उनका लाभ होता है।
इस प्रकार अच्छा मैंने आपको पढ़ाया समझाया, इस प्रकार मैंने आपको ये जो प्रकृति सौहार्द शोभा वाला जो पाठ है उसके जो अनुवाद है उसका भावार्थ मैंने आपको समझाया, शब्दार्थ समझाया। आप इसके जो प्रश्नोत्तर हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, तब तक आप इसको बहुत अच्छे से समझिए, कॉपी में लिखिए। धन्यवाद।